मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी में 10वें नंबर का काव्य जिसका नाम है सीखो उसका अभ्यास करेंगे। तो इस काव्य के नाम पर से ही हमें मालूम हो जाएगा कि इस काव्य में हमें कुछ न कुछ सीखने की सीख दी गई है। तो इस काव्य के कवि का नाम है श्रीनाथ सिंह और उन्होंने हमारी पृथ्वी पर के छोटे छोटे छोटी छोटी सी चीज वस्तु भी हमें बहुत सारा ज्ञान दे जाती है, उसके बारे में हमें सिखाया है कि किस प्रकार से एक छोटा सा फूल हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। तो अलग अलग तरीके से फूल, फिर हवा की झोंके, सूरज की किरणें, फिर मछली, दीपक यानी कि दिया और जलधारा यानी कि बहता हुआ पानी, वो सब कैसे है, मामूली वस्तु है, वो हम सबने देखी ही है, लेकिन उसको हम गहराई से देखेंगे, उसका हम महत्व समझेंगे तो हमें मालूम होगा कि किस प्रकार से ये छोटी सी छोटी चीज भी हमें कुछ न कुछ सीख देती है। तो ऐसा नहीं होता बच्चे के हमें अपने से बड़ों की ही बातें माननी चाहिए, उनकी ही सीख हमें सुननी चाहिए, लेकिन हमें बड़ों के साथ साथ छोटों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। लोग क्या कहते हैं कि दुनिया में हर जगह ज्ञान है, लेकिन हमें क्या करना है, उसे ढूंढना है। छोटों में से और बड़ों में से सभी में से ज्ञान हर तरफ है, हमें क्या लेना है हम पर डिपेंड है, हमें कैसा बनना है, हमें क्या करना है। हम जैसा बनेंगे, हम जैसा सोचेंगे वैसे ही हम होंगे। तो इस प्रकार से हमें अपना जीवन कैसा बनाना है, फूल की तरह सुंदर। तो फूल कैसा होता है, सुंदर और कोमल, उसके साथ साथ क्या होता है, फूल पर भी कांटे होते हैं, तो हमें भी कुछ बुराइयां होती है, कोई सर्वगुण संपन्न होता नहीं है, तो हमें भी अपनी बुराइयों को अपने से दूर करना है और हमें अपनी अच्छाइयों को बाहर लाना है। तो आज हम अलग अलग तरह के उदाहरणों से इस काव्य को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस काव्य का एक एक पंक्ति में ध्यान करेंगे और फिर उसकी महत्ता को समझेंगे। सबसे पहले फूल, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। हम दो बार इसे पढ़ेंगे तभी उसकी पंक्तियों को हम सीख लेंगे। फूलों से नित, फूल यानी कि पुष्प, नित यानी कि हर रोज, फूलों से नित हंसना सीखो। फूल सुबह होते ही सूर्य की किरणें जैसे ही उस पर पड़ती है तब वह कैसे खिल जाते हैं, तो वह हमें हमारे जीवन में हमेशा सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। दुख आए तो उसको उसे डरकर भागना चाहिए नहीं। तो फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। भौरे, भौरा यानी कि मधुकर, वो भौरा आपने सु कहिए छे भमरो, वो क्या करता है, पूरा दिन गुन 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 करता है। तो क्या कहते हैं कवि के, भौरों से नित गाना सीखो। फूल हमें हमेशा हंसने की सीख देती है और भौरे यानी के भौरा हमें हर हमेशा गुनगुनाने की सीख देते हैं। आगे की पंक्ति में तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु की झुकी डालियों से यानी कि तरु यानी कि
पेड़, पेड़ की डाली, उस पर फल आता है तो वह ऊपर जाती है या नीचे आती है? डाली नीचे आती है, वह ऊपर जाती नहीं है। तो जिस व्यक्ति में गुण होता है, जिस व्यक्ति में क्या होती है, समझ होती है, एक दूसरे को, सब लोगों को समझने की भावना होती है, वह हर हमेश, उसका जीवन कैसा होता है, उसका सिर नीचे की तरफ होता है, यानी कि वो सबको सम्मान देता है। तो तरु की झुकी डालिया जो वो फलों से लग जाते हैं, तो उसके बाद भी वह पृथ्वी की ओर झुकते हैं। तो जिस व्यक्ति में आदर और भाव होता है तो वह बड़ों के सामने क्या करते हैं, शीश हर हमेश झुकाते हैं। तो शीश झुकाना यानी कि क्या होगा अर्थ उसका, विनम्र होना, विनम्रता का भाव जिसमें होता है वह बड़ों के आगे अपना सिर डालियों की तरह झुकाते हैं। आगे की पंक्ति में सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कवि क्या कहते हैं, हवा के झोंके कैसे होते हैं, कोमल होते हैं। तो वो हम एक और बैठे रहते हैं और हमारे शरीर को स्पर्श करके वो हवा के झोंके जैसे ही गुजरते हैं तो कैसा भाव होता है, कोमल भाव बहाना, यानी कि सुंदर विचार प्रकट करना। तो हमें भी अपने जीवन में क्या करना चाहिए, हर हमेशा दूसरों के प्रति कोमल भाव, जिस प्रकार से हवा की झोंके हमें कैसी प्रदान करती है, ठंडक प्रदान करते हैं, तो उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में दूसरों के प्रति सुंदर भाव प्रकट करना चाहिए। तो हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, फिर दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। एक पात्र में दूध रखते हैं और एक पात्र में पानी रखते हैं, अब हम इन दोनों को मिला देते हैं, दूध और पानी को। फिर हमें बोला जाएगा कि अब दूध को अलग करो और पानी को अलग करो, तो हम कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि वह एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, तो वह दूध और पानी भी हमें सीख देते हैं कि हमें सबके साथ मिलजुल कर एकता से रहना चाहिए। फिर आगे सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज यानी कि रवि, भानु, सूरज की किरणें, हम अगले दिन बहुत काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, हम बोलते हैं मम्मी को कल मैं देर तक सोऊंगा, मुझे मत जगाना। सूरज को थकान नहीं होती? सूरज कभी भी ऐसा बोलता है कि आज मुझे थकान हुई है, मैं आज नहीं उठूंगा? तो वो हर हमेश एक समय पर ही, सूर्योदय के समय पर वो हर हमेश सुबह में जगता है। वह उसकी क्या होती है, प्रतिदिन की रोज की क्रिया होती है। तो सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जिस प्रकार से सूरज की किरणें रोज कंप्लीट टाइम पर वो क्या होती है, निकल जाता है, उसी प्रकार हमें रोज का कार्य रोज के अनुसार नित्य प्रतिदिन वह रोज क्रिया करनी आवश्यक होती है। हमें सूरज की तरह नियमित बनना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता, लता को हम क्या बोलेंगे, वेल। एक पेड़ होता है, वेल उसके नीचे उगती है, तो वह पेड़ के साथ कैसे चिपक जाती है, गोल 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 करके वो ऊपर चढ़ती है। तो लता और पेड़ों से सीखो सबको गले
लगाना, हमें अपना अहम छोड़ना चाहिए, हमें सबके साथ एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, सबको गले लगाना यानी कि सबको प्यार से मिलना, सबके प्रति एक भाव रखना। तो लता और पेड़ हमें सबके साथ कैसे मिलजुल कर रहने की भावना सिखाते हैं। फिर आगे मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली, मछली का जीवन क्या होता है? पानी होता है। तो पानी से, पानी के बाहर उसे निकाल दो तो वह जी पाएगी? नहीं जी पाएगी। तो पानी क्या है? उसका जीवन है, उसका संसार है। उसके बाहर उसे निकाल दोगे तो वह मर जाएगी। तो यह धरती, यह पूरी दुनिया ही हमारा जीवन है। उसके बिना हम जी नहीं पाते, उसके बिना हम मर जाते हैं। तो मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। तो मछली हमें अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य भावना सिखाती है? पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ के पेड़, पतझड़ यानी कि कैसे, जिस जगह पर बराबर से पानी नहीं पहुंचता, वह उस वहां के पेड़ कैसे हो जाते हैं, सूख जाते हैं, यानी कि पतझड़ का मौसम सब पत्ते बिखर जाते हैं, वह पूरा झाड़ एकदम अकेला हो जाता है, कोरा कोरा सा बिना पत्तों के। तो उस प्रकार से पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। वह पेड़ का कैसा समय होता है? संकट का समय होता है, लेकिन वह आशा होती है कि बारिश होगी, पानी आएगा और मैं फिर से हरा भरा होगा। वह अपनी धीरज नहीं खोता, वह खुद गिर जाता नहीं है, वह अपनी धीरज को बनाए रखता है। उसी प्रकार से चाहे हमें जीवन में कितने भी दुख आए, लेकिन हमें इन दुखों से भागना चाहिए नहीं, हमें उन दुखों, इन दुख के सामने हमें डटकर खड़े रहना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। एक अंधेरा रूम होता है, तो वहां पर उस रूम में एक और दिया हम रखते हैं। दिया क्या करता है? अपने आप को, खुद को जलाता है और अपने अपने दिए से वह खुद जलकर पूरे रूम में जितना भी अंधकार है, जितने भी अंधकार है, उसको वह अपने आप में वह भर लेता है, उसको वह दूर करने की कोशिश करता है। तो हमें भी अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि हम किस प्रकार से दूसरों को हम मदद में आ सके। हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, दूसरों के जीवन में हो सके तो उनके कुछ दूर भी हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। दिए की तरह पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। एक माँ हमारी माता को कहा है और दूसरी माँ हमारी धरती माता को कहा है। क्यों? हमारे इस दुनिया में, पूरे संसार में कितने सारे लोग हैं, अच्छे और बुरे। धरती पर पृथ्वी माता हम सबका बोझ उठाती है। वह कभी भी ऐसा नहीं बोलती कि तुम मेरे पर मत चलो, चाहे कितना भी भार हो। धरती माता अपने बच्चों को, हम सबका भार वह अपने में सहन कर लेती है। तो हमें भी पृथ्वी की तरह सच्ची सेवा का भाव अपने मन में रखना चाहिए। फिर जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा यानी कि बहता पानी का प्रवाह। तो हम इंसान को रोक सकते हैं, कुछ चीज है तो उसको हम बंद कर सकते हैं, लेकिन पानी का प्रवाह, नदी का प्रवाह होता है, बारिश का, बारिश के पानी का प्रवाह होता है, तो क्या हम उसे रोक सकते हैं? हम ज्यादा देर तक उसे रोक सकते नहीं है। वह अपने आप में ही वह मार्ग करके, उसका अपना रास्ता खुद तय करके वह चलने लगता
हैं। तो जिस प्रकार से जलधारा यानी कि पानी का बहता हुआ प्रवाह अपना रास्ता खुद तय करता है, उसी प्रकार ही हमें अपने जीवन पथ में, हमें अपने संसार में हर हमेश आगे ही आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने कदम कहाँ पर भी हमें रोकना चाहिए नहीं, और द्वेष इसी को हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धुआं, तो धुआं साधन का होता है, फिर कई कई अन्य जगहों से धुआं निकलता है, वह कैसे चढ़ता है, वह जमीन पे आता है नहीं, वह जैसे ही निकलता है वह हर हमेश ऊपर की ओर, आकाश की ओर उड़ने लगता है। तो कभी हमें इस प्रकार के सामान्य धुएं पर भी हमें ऐसा बोलते हैं कि वह धुआं भी हमें ऊंचे ही ऊंचे चढ़ने का संकल्प सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हर हमेश आगे ही आगे बढ़ना चाहिए, हमें हर हमेश प्रगति ही करनी चाहिए, हमें अपने जीवन को रुकना चाहिए नहीं। तो इस प्रकार से हमें फूलों से हंसना सीखा, फिर भौरों से गुनगुनाना सीखा, फिर तरु की झुकी डालियों से सबके आगे शीश झुकाना सीखा, भाई हवा के झोंकों से विनम्रता का भाव बहाना सीखा, दूध तथा पानी से मिलना और मिलाना सीखा, सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाना सीखा, लता और पेड़ों से हमें सबको गले लगाने का भाव सीखा, मछली से स्वदेश के लिए तड़प कर मरने का भाव सीखा, पतझड़ के पेड़ों से दुख में हमें धीरज रखने का भाव सीखा, दीपक से अंधेरे को हरने का भाव सीखा, पृथ्वी से क्या मनुष्य की व्यक्ति की सच्ची सेवा का भाव सीखा, जलधारा से हमें जीवन पथ में हर हमेश आगे बढ़ने का भाव देखा, और धुएं से हमें हरदम अपने जीवन में प्रगति करनी चाहिए उसका भाव सीखा। तो इस प्रकार से हमारा यह काव्य फिनिश होता है। आगे के वीडियो में हम उसमें आने वाले प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको इस काव्य का गान भी दिखाऊंगी। आप वीडियो को स्टॉप करके यह काव्य को आप दो बार अपनी पुस्तक में लिख लेना और तैयार भी करना, क्योंकि यह काव्य हमारी परीक्षा में पूछा जाता है, और यह काव्य आपको आएगा तो ही इसमें आने वाले प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकोगे। तो आप सब पहले अपने वीडियो को स्टॉप करके ये शब्दार्थ को लिख लेना और ये तीन मुहावरे भी लिख लेना। आगे का अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।